रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में शराब पर भारी छूट से दिल्ली के ठेकेदारों के पसीने छूट रहे हैं। शराब के शौकीन जहां अच्छा समय बिता रहे हैं, वहीं खुदरा विक्रेताओं को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली आबकारी विभाग के पूर्व निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने के लिए परमिट लेने के लिए बड़ी रकम का भुगतान करने वाले कई व्यापारियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं। वहीं उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि कई ब्रांडों पर छूट से भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, जिससे व्यापार अव्यवहारिक हो गया है। वहीं आबकारी अधिकारियों के मुताबिक 32 में से 9 जोन के डीलर ने व्यवसाय जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है। वहीं आबकारी विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट पर साझा की गई शराब की दुकानों की सूची के अनुसार अब दिल्ली में केवल 464 से ज्यादा दुकानें ही बची हैं। वहीं इसके अलावा अन्य दुकानों पर लंबी कतारें लग गई हैं और स्टॉक की लगातार कमी बनी हुई है। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत राज्य सरकार ने 849 दुकानों को लाइसेंस दिए। मई तक केवल 639 दुकानें ही खुली, जिसमें नगर निकायों ने गैर अनुरूप क्षेत्र में शराब की दुकानों का विरोध किया और कई क्षेत्र में निवासियों ने विरोध भी किया। जब आबकारी विभाग ने हाल ही में मौजूदा उत्पाद नीति को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया और लाइसेंस धारकों को अनुपातित आधार पर शुल्क जमा करने के लिए कहा, तो कुछ ने इसे बंद करने का फैसला किया। एक शराब कारोबारी ने बताया कि उसने एक जोन में 27 दुकानें खोलने का लाइसेंस बनवाने के लिए 250 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई थी, लेकिन कुछ इलाकों में रहने वाले निवासियों के विरोध और नगर निगम द्वारा शराब बेचने की अनुमति से इनकार करने के कारण 15 से अधिक दुकानें नहीं खुल सकी। उन्होंने कहा कि कुछ डीलर्स ने अपनी दुकानों पर भारी छूट दी, क्योंकि वह थोक विक्रेताओं से इसे खरीद रहे थे। थोक विक्रेताओं ने भी उन्हें भारी छूट दी, क्योंकि बड़े व्यापारी उन्होंने कहा, हम बड़े व्यापारी नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसी छूट नहीं मिली, लेकिन अगर हम व्यापार में बने रहना चाहते हैं तो हमें छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसने हमारे लिए ट्रेडिंग को पूरी तरह से अव्यवहारिक बना दिया है। तो ये थी बात शराब की कि सस्ती शराब ने दिल्ली के ठेकेदारों के जो पसीने हैं उसे छुड़ा दिए, उनकी हालत खराब कर दी है। कई व्यापारियों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं।